हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था लॉगरिथम क्लास 10 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज से, जिसमें हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब शुरू करना है लेवल 2 के क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू है। क्वेश्चन है लॉग, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट, इतने सारे स्क्वायर रूट से, और यहाँ पे जिसका निकालना है स्क्वायर रूट ए, इतना सारा, और ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक्स लॉग बेस बी, और जिसका निकालना है वो ए। तो निकालना यहाँ से एक्स है, ठीक। क्या निकालना है? एक्स। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये क्या है हमारा, अगर हम इसको निकालें तो ये है हमारा स्क्वायर रूट। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, स्क्वायर रूट ना लिख के हम बी पे पावर हाफ लिख लेते हैं। बी इंटू ये पूरे पे पावर क्या है बोलिए, हाफ। या एक काम करते हैं, सबसे अंदर क्या है, बी पे पावर हाफ, बी पे पावर हाफ इंटू यहाँ पे बी है, उस पूरे पे पावर हाफ है, इस फिर इंटू बी है, फिर उस पूरे पे पावर हाफ है इंटू बी, इस पूरे पे पावर हाफ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी पे पावर हाफ और 1 क्या हो जाएगा, 3/2 उस पे पावर हाफ इंटू बी, उस पे पावर हाफ इंटू बी, उस पे पावर हाफ। तो ये b पे पावर 3/2 गुना हाफ कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू बी पे पावर यहाँ 1 है, उस पे पावर हाफ इंटू बी, उस पूरे पे पावर हाफ। 3/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/4 उस पे पावर हाफ इंटू बी, उस पे पावर हाफ। 7/8 इंटू बी उस पे पावर 1 है इंटू हाफ। इसको ऐड कीजिएगा 7/8 प्लस 1 तो 15/8 होगा उस पे पावर हाफ, और ये आएगा बी पे पावर 15/16। तो यहाँ पे जो बेस आया वो आया हमारा बी पे पावर 15/16। अब दूसरा क्या निकालेंगे, जिसका लॉगरिथम निकालना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमको समझ आ गया, ये 4a तक, मतलब उसके पावर ये स्क्वायर रूट तक, यहाँ तक हमारा ए पे पावर 15/16 आएगा इसके हिसाब से। तो ए इंटू ये वाला होगा ए पे पावर 15/16 उस पे पावर हाफ, तो ये हो जाएगा ए पे पावर 31/16 उस पे पावर हाफ, दैट इज ए पे पावर 31/32। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लॉग, बेस होगा हमारा बी पे पावर 15/16, और ये हो जाएगा ए पे पावर 31/32 इज इक्वल टू एक्स लॉग बेस बी ए। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा लॉग ए पे पावर 31/32, ये होगा लॉग बी पे पावर 15/16। सीधे फॉर्मूले में पुट किए, लॉग बी ए 31/32 बाहर आएगा लॉग ए बटे 15/16 बाहर आएगा लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बटे लॉग बी। लॉग ए कैंसिल, लॉग बी कैंसिल। यहाँ से अगर एक्स आप फाइंड आउट करेंगे 16 और 16 2 32, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31/30। तो ये ऑप्शन आप मैच कर लें, ये आंसर आया। डन। 26 हो गया। अब आते हैं 27 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27? 7 पे पावर लॉग एक्स, एक्स पे पावर लॉग 7 इज इक्वल टू 98।
तो फाइंड आउट करना है लॉग टेन रूट एक्स, लॉग टेन रूट एक्स क्या होगा। आप जानिए अगर हम बात करें, जानते होंगे शायद आप कि टू पे पावर, मैं अगर बोलूँ फोर पे पावर लॉग 64 और यहाँ कोई बेस दे देते टू, या इतना भी नदी के ज़्यादा में बोलते एट, ये कितना आएगा? फोर पे पावर, टू पे पावर कितना करें कि एट होगा? थ्री, दैट इज़ ये आएगा 64। उसी तरह से अगर एट लॉग फोर करूँ, ये एट को यहाँ लेके आ गया, फोर को यहाँ लेके आ गया, और यहाँ बेस तो वही रहेगा। टू पे पावर कितना करें? फोर होगा, टू टू होगा, ये भी 64 आएगा। मतलब ये दोनों इंटरचेंज करने से हमारा रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेवन पे पावर लॉग एक्स प्लस यहाँ पे भी सेवन पे पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू 98, ये डबल हो जाएगा। टू इंटू सेवन पे पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू 98, ये होगा 49। सेवन पे पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, दैट इज लॉग एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या मांगा है? लॉग 10 रूट एक्स, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमको बेस क्या मानना है? 10, और मांगा है लॉग 10 रूट एक्स, मतलब पावर हाफ है, हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ लॉग 10 एक्स, दैट इज लॉग 10 एक्स कितना? 2 आया, ये आंसर आएगा 2/2, 1। तो आसान क्वेश्चन था, उतार लीजिए। चलिए उतार लिए होंगे। 28 बहुत ज़्यादा ही इजी, क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा है तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 29 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 29 में लॉग ए बेस बी प्लस लॉग ए स्क्वायर बेस बी स्क्वायर प्लस लॉग ए क्यूब बेस बी क्यूब प्लस डैश 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 लॉग बी पे पावर एन, लॉग ए पे पावर एन बेस बी पे पावर एन। तो अब बताइए, मैं अगर लॉग बी स्क्वायर ए स्क्वायर निकालूँ तो ये क्या होगा? लॉग ए स्क्वायर बटे लॉग बी स्क्वायर, टू लॉग बी बटे टू लॉग ए बटे लॉग बी, ये कैंसिल, फिर रिजल्ट आएगा लॉग बी ए। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा आएगा लॉग ए बेस बी, और यहाँ पे भी क्या आएगा? लॉग ए बेस बी। उसी तरह से यहाँ 3 बार आएगा, नीचे से भी 3 बार आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ये भी होगा हमारा लॉग ए बेस बी डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। इसमें भी एन बार ऊपर होगा, एन बार नीचे होगा, सेम लॉग ए बेस बी। तो सारा मिलके एन बार है, तो ये हो जाएगा एन लॉग ए बेस बी, एन हम मल्टीप्लाइड है तो एन चला जाएगा पावर में, तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। उतार लीजिए। डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है लॉग फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लॉग फोर छूटा हुआ है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैंने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन को मैंने वेरीफाई किया तो लॉग फोर शुरू में छूटा हुआ है। आपकी किताब में सही है तो बहुत अच्छी बात है। प्लस लॉग टू लॉग फोर एक्स इज इक्वल टू टू, लॉग फोर एक्स मांगा है। क्या मांगा है? लॉग बेस फोर एक्स क्या होगा? ठीक, लॉग बेस एक्स फोर क्या होगा? ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको इतना तो पता होगा, मैं अगर बात करूं इसको लिख सकता हूं लॉग फोर लॉग लॉग टू एक्स बटे लॉग फोर प्लस, इसको आप ये मान सकते हैं कि ये वाला आपका ए है। क्या है? ए। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए लॉग टू एक्स को हमने क्या मान लिया? इसको मान लेते हैं वाई। तो
क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग एक्स ओवर लॉग टू इज इक्वल टू वाई। ठीक, यहाँ पे भी मैंने बेस फोर ले लिया, यहाँ पे भी बेस फोर ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस फोर लिख सकते हैं इसको टू को, फोर पे पावर हाफ, या फोर पे पावर कितना करेंगे टू होगा हाफ, तो आंसर हाफ होगा, इज इक्वल टू वाई, दैट इज लॉग फोर एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू। ये बात आप समझे ना, यहाँ चार पे पावर हाफ कर लें, ये दो आ जाएगा, हाफ बार लॉग फोर फोर वन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं चीज़ों को, लॉग टू एक्स को हमने कितना मान लिया वाई, तो ये हो जाएगा लॉग फोर वाई प्लस लॉग टू वाई बाई टू। इससे काम चलेगा कि नहीं मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉग फोर एक्स वाई बाई टू, लॉग टू एक्स हमारा वाई है, सही है, इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पे हम बात करें अगर लॉग वाई अपॉन लॉग फोर प्लस लॉग वाई अपॉन टू बटे लॉग टू इज इक्वल टू टू। लॉग फोर को हम टू लॉग टू लिख सकते हैं, लॉग वाई टू का स्क्वायर है, टू लॉग टू प्लस लॉग वाई अपॉन टू इज इक्वल टू लॉग टू इज इक्वल टू टू। वन बाई लॉग टू कॉमन, तो ये हो जाएगा लॉग वाई अपॉन टू। ठीक, लॉग वाई अपॉन टू प्लस लॉग वाई अपॉन टू इज इक्वल टू टू। देखता हूँ बन रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग वाई अपॉन टू प्लस लॉग वाई माइनस लॉग टू इज इक्वल टू टू लॉग टू। ये लॉग टू यहाँ पे है, लॉग टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो लॉग टू का स्क्वायर हो जाएगा लॉग फोर, तो यहाँ पे लॉग वाई कॉमन ले लेता हूँ, हाफ प्लस वन इज इक्वल टू लॉग टू, ऊपर चला जाए टू स्क्वायर फोर प्लस लॉग टू। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें लॉग वाई इंटू थ्री अपन टू, लॉग फोर प्लस लॉग टू लॉग एट हो जाएगा, लॉग एट ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग एट इंटू, यहाँ पे टू बाई थ्री कर देते हैं, टू बाई थ्री, दैट इज लॉग y इज इक्वल टू लॉग एट पे पावर टू बाई थ्री, तो हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, या हम लॉग लॉग हटा देते हैं, आठ पे पावर दो पे पावर तीन, उस पे पावर दो बटे तीन, तीन तीन कैंसिल, तो y का वैल्यू आया फोर। y कितना आया फोर, तो इसका मतलब log 2x 4 आया, log 2x 4, तो y 4 आया, तो ये हो जाएगा 4 बाई टू, ये 2 होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए log x 4, ये होगा 1 बाई log 4x, और log 4x कितना है 2 आया, तो 1 बाई 2 आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, ओके, 30 हो गए। क्वेश्चन नंबर 31, पी क्यू आर वन क्या मांगा है, लॉग आर क्यू पी प्लस लॉग आर पी क्यू प्लस लॉग पी क्यू आर क्या होगा। ठीक है, ये मांगा है, मैं अगर यहाँ पी की बात करूँ तो पी को एक बटे क्यू आर लिख सकते हैं,
लॉग आर क्यू, पी क्या होगा एक बटे क्यू आर, प्लस लॉग आर पी, ये क्या होगा क्यू वन बाई पी आर, प्लस पी क्यू, आर क्या होगा वन बाई पी क्यू। ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग आर क्यू, आर क्यू पे पावर माइनस वन, प्लस लॉग आर पी, आर पी पे पावर माइनस वन, प्लस लॉग पी क्यू, पी क्यू पे पावर माइनस वन, माइनस वन बाहर आ जाएगा और ये वन हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस वन हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस वन हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा माइनस थ्री। उतार लीजिए। डन। चलिए 31 हो गया, 32। लॉग थ्री लॉग टू लॉग एक्स लॉग सिक्स 216 पे पावर तीन इज इक्वल टू जीरो, क्या मांगा है लॉग थ्री थ्री एक्स। ठीक, अब क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग टू लॉग एक्स लॉग सिक्स 216 पे पावर तीन, है ना, या तीन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, इज इक्वल टू थ्री पे पावर ज़ीरो, ये तीन वहाँ जाएगा तीन पे पावर ज़ीरो, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग टू लॉग बेस एक्स थ्री लॉग सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स पे पावर थ्री इज इक्वल टू वन, तो हो जाएगा लॉग बेस एक्स थ्री, ये तीन फिर इस पार आ जाएगा तीन इंटू तीन, और लॉग सिक्स सिक्स क्या हो जाएगा वन, तो इतना ही रहेगा इज इक्वल टू, ये टू उधर चला जाएगा टू पे पावर वन, दैट इज लॉग बेस एक्स नाइन इज इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा नाइन इज इक्वल टू एक्स पे पावर टू, या हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर थ्री स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू थ्री आया। जब एक्स थ्री आएगा तो ये हो जाएगा लॉग थ्री थ्री इंटू थ्री, ये हो जाएगा लॉग नाइन थ्री, तो आंसर होगा टू। तो आंसर क्या होगा टू, ऑप्शन सी करेक्ट। उतार लीजिए। चलिए समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आज के लिए लास्ट, उसके बाद जो क्वेश्चंस बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। 33 में क्या बोला है, ए पे पावर एक्स, बी पे पावर एक्स, सी पे पावर एक्स, ये जीपी में, जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ ए बी सी, अगर ये जीपी में है इसका मतलब बी और ए का रेशियो और सी और बी का रेशियो सेम रहेगा, अगर ए बी सी ए पी में है तो बी और ए का डिफरेंस और सी और बी का डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंसेस सेम होगा अगर लगातार तो वो ए पी होगा, और अगर रेशियो सेम होगा तो वो जी पी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बी पे पावर एक्स बटे ए पे पावर एक्स बराबर सी पे पावर एक्स बटे बी पे पावर एक्स, ये हो जाएगा बी पे पावर एक्स पे पावर टू इज इक्वल टू ए पे पावर एक्स इंटू सी पे पावर एक्स, तो बी पे पावर टू एक्स इज इक्वल टू ए सी पे पावर एक्स, या बी पे पावर टू पे पावर एक्स इज इक्वल टू ए सी पे पावर एक्स, पावर सेम तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग बी बटे ए बराबर सी बटे बी, इसका मतलब ए बी सी ये भी किस में है जी पी में। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर अगर ए सी होगा दोनों तरफ लॉग लगा दें, लॉग बी स्क्वायर बराबर लॉग ए इंटू सी, है ना, हो जाएगा टू लॉग बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग सी, या लिख सकते हैं लॉग बी माइनस लॉग बी प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग सी, या लॉग बी माइनस लॉग ए बराबर लॉग सी माइनस लॉग बी, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि लॉग ए
कॉमा लॉग बी कॉमा लॉग सी, ये किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, डिफरेंसेस सेम है ना, लॉग ए लॉग बी और लॉग सी का, तो ये ए पी में है और ए बी सी जी पी में है। तो ए पी पावर एक्स, बी पी पावर एक्स, सी पी पावर एक्स अगर जी पी में है तो ए बी सी जी पी में है और लॉग ए लॉग बी लॉग सी ए पी में है। इनमें जो जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियो के सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। मुझे थोड़ा मुँह में प्रॉब्लम रहता है, तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर नहीं बात कर पाता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।